शायर, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा धंधा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तू तो बदनाम है ही, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरी इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। खलील, लगता है रात को अमरूद खाए थे। हाँ, क्यों? अमरूद तो हजम हो गए, पर कीड़े अभी भी तेरे अंदर ही है। शायर, आजकल तू बहुत ज्यादा ही बोल रहा है, अपनी जबान को लगाम दे वरना अच्छा नहीं होगा। खलील भाई, मुझे माफ कर दो, मैं देखे माफ नहीं करूंगा, आज गलती होगी, गलती होगी। जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। शायर, तेरा कुछ करना पड़ेगा, तू नहीं सुधरेगा। हिदायत है, रिवायत है, ये खून पीने की खानदानी आदत है। अभी तो बहुत काम बाकी है, टीम भी बनानी है, शहर में काफ़ी खामोशी है, लगता है धमाका करना पड़ेगा। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, तू रोज चोरी करके भाग जाता है ना, पहले पकड़ तो ले चाली मामू। तुझे पुलिस के हवाले कर दूं या फिर मेरे लिए काम करेगा? लाशा पे खबर तक मिस्तोर माला रावड़ा, ताजा ताजा वो खाला, इधर आओ इधर आओ, ओ भाई 150 के दर्जन, इधर आओ खाला, राशा मामा देखो राशे ताजे ताजे दे रावड़ा। गोडू को जानते हो आप? आगे लेड़ी लगी हुई है, लेड़ी आगे आगे। पौधरी जी चूचे, ये उसी कोडू का पूछ रहे ना जो फ्रूट के ऊपर रेड़ी लगाता है? नहीं नहीं नहीं, फ्रूट के ऊपर रेड़ी नहीं, रेड़ी के ऊपर फ्रूट लगाता है, फ्रूट के ऊपर रेड़ी लगाते हैं। देखते हैं क्या माजरा है, चल चल। ओ भाई इधर आ जाओ, ओ भाई इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक हो? खैरियत है? माल्टा खाएगा? ए माल्टा,
150 का दर्जन है पर आपके लिए 100 रुपए ले। ठीक है, 2 दर्जन डाल दो। लाटशा पे खबर था ए, तुम्हारा माल्टा हो गया है, और क्या चाहिए? बेल लगवाई हुई है तो दरवाजा क्यों बजा रहा है? अबे साले बेल इतनी ऊपर लगाई है, हाथ ही नहीं पहुंचता मेरा। चल चल बहस ना कर, जा अपने मालिक को बुला। ओ मालिक मैं ही हूँ, काम क्या है? तू मालिक है? वाकई तू मालिक है? तुझे घर में दूसरी तरफ साले नहीं मिलता, तू मालिक है? तेरी है। जा मालिक को बुला यार, दिमाग ना खराब कर। अपना मुंह देख, जैसे रजाई से पाऊं निकलाओ। अबे बोल रहा हूँ मैं ही मालिक हूँ। अबे मुंह को छोड़, चूसनी बॉस आया तेरे से मिलने। बॉस? अरे बॉस को बाहर क्यों खड़ा किया, अंदर लेके आओ। ये तो खुद पोलियो का मरीज है, हमारे किस काम के? मुझे तुमसे यही उम्मीद नहीं थी, सारे कोडो तुमने गंदे गंदे वीडियोस भेजे मुझे। नहीं जान, सारे आराम से। जान मैंने ऐसा नहीं किया। बॉस ये क्या हो गया, मेरे व्हाट्सएप से किसी ने गंदे गंदे मैसेज किए मेरी गर्लफ्रेंड को। मैं मानता हूँ मैं पोलियो का मरीज दिखता हूँ, मगर अकलमंद होने के लिए बॉडी की नहीं दिमाग की जरूरत होती है, जो तेरे पास नहीं है। छोड़ो ये बातें, हम एक चोरी की प्लानिंग कर रहे हैं और हमें एक हैकर की जरूरत है, और तेरी ये करतूत देखे पता चल गया तू एक अच्छा हैकर है। बस कोई इशू नहीं, बस 4 लाख रुपए लगेंगे। मुंह तो तुम्हारा टकेगा नहीं है, 4 लाख रुपए लगेंगे हैं? अबे बोसड़ी के 4 लाख रुपए क्या चीज है? तूने 3 महीने से किराया नहीं दिया, तेरे पास 5 मिनट हैं, 5 मिनट के अंदर अंदर ये कमरा मुझे खाली चाहिए। यरा भाई मुझे 3 दिन दे दो, मैं आपका सारा किराया दे दूंगा। तुझे समझ नहीं आया कि अभी मुझे कमरा खाली चाहिए? देखें भाईजान, इसने कहा ये पैसे दे देगा 3 दिन तक, तो दे देगा। तू कौन होता है बोलने वाला? तू है कौन? आंखें किसको दिखा रहा है?
बॉस मैं रेडी हूँ। तो रेडी है, चलो फिर। बॉस बॉस किधर जा रहे हो? एक मिनट, डार किस चीज की? ये और ये, वो सी कितने का होगा? ये क्लिक भी करता है, ये महंगा होना चाहिए। मेरा यार इससे बहुत पहले एक जगह एक मलिक खानदान रहता था, जो कि काफ़ी खाते पीते लोग थे। मलिक खानदान के जो बड़े थे वो किसी पहाड़ में अपने लिए घर बनवा रहे थे। खुदाई करते वक्त एक मज़दूर को कुछ हीरे मिले जो कि बहुत महंगे थे। मलिक ने उस मज़दूर को मार कर वो हीरे अपने कब्ज़े में ले लिए और काफ़ी सालों के बाद वो मलिक मर गया और वो हीरे उसके दो बेटों के पास चले गए, एक मलिक कासम, दूसरा मलिक पाशा। और ये दोनों भाई 10 तारीख को इस्लामाबाद आ रहे हैं, वही हीरे लेके। उन्हीं हीरों का सौदा करने इस्लामाबाद आ रहे हैं। रास्ते में ही प्लानिंग के ज़रिए हम उनसे ये हीरे हासिल कर लेंगे। 10 तारीख को वो दोनों भाई दिन 1:30 पर इस्लामाबाद बैरिया टाउन से गुजरेंगे। उसके लिए तुम सबको तकसीम किया जाएगा। तो प्लान ए, कोडू वायर बॉम्ब के ज़रिए एक कार को ब्लास्ट करेगा। सबसे पहले कोडू रोड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तार लगाएगा और बॉम्ब प्लांट करेगा। जो ही पहली गाड़ी उस तार के साथ टकराएगी तो धमाका होगा। और अगर प्लान ए नाकाम होता है तो प्लान बी में हैकर का अहम किरदार है। अगर प्लान ए नाकाम हो जाता है तो हैकर ड्रोन के ज़रिए उनकी कार्स को हैक करेगा, क्योंकि उनकी कार जदीद टेक्नोलॉजी की होंगी। ऑटोमेटिक कार से उनके पास तो हैकर, इसी बात का तुमने फ़ायदा उठाना है। 500 मीटर के सर्कल में 4 डिवाइसेस लगाई जाएंगी, जिनके ज़रिए उन डिवाइसेस से ड्रोन में सिग्नल जाएगा और ड्रोन के ज़रिए उनकी कार्स को हम हैक कर लेंगे। उनकी गाड़ियाँ हैक होने के बाद ब्रूस ली जाएगा, उनके गार्ड से निपटेगा और मैं और कोडू जाके वो हीरे लेंगे और सीधा इसी जगह पे वापस आएंगे। आई बात समझ में? बॉस, बम फिट हो गया है।
बॉस, प्लान ए कामयाब नहीं हुआ, बम नहीं फटा। बॉस, ड्रोन को सिग्नल नहीं, मेरे डिवाइस में कुछ मसला आ रहा है। बॉस बॉस, कोई हमारे सिस्टम को हैक कर रहा है, आप क्या करें बॉस? प्लान सी कौन सा बॉस? प्लान सी का तो आपने बताया ही नहीं। प्लान सी तो मिशन में था ही नहीं। साला चलो छोड़ो, ये देखते हैं बम साला फटा क्यों नहीं। और ये साला सांप की तरह क्या चीज है, चीख करती। ये क्या हो गया भाई? ये किसने फाड़ा है साला बम? जब फटना चाहिए था ये उस टाइम नहीं फटा, साला हमारी फाड़ के चला गया तेरी तर। ये किसने फाड़ा है साला? ये कौन था पीछे घर को हुए? याद नहीं आई मेरी आपको? मैंने तो बड़ा मिस किया आपको, सोचा आज टपक करके आए। आज तो बाल बाल बचे, मैंने तो सही बड़ा हाथ मारा है। वाह शायर, सही माल लूटा है तूने। मैं भी सोने की दुकान से महंगी महंगी अंगूठे चुरा के लाया हूँ, ये देख। बोस, आखिर कब तक हम ये छोटी मोटी चोरियां करते रहेंगे? अब कुछ बड़ा हाथ मारते हैं। हाँ तेरी बात भी सही है, चल किसी बड़ी चोरी की प्लानिंग करते हैं। चल बोस, अब कोई बड़ा हाथ मारते, अब छोटी मोटी चोरियों में क्या करेंगे, दफा कर इनको। आ जा। वो देखो मजनू अपनी लैला से इश्क लड़ा रहा है। शायर, इसके पास जो मोबाइल है ये कितने का होगा? 10-15 हज़ार का तो हो गई।
चुपचाप मोबाइल हमारे हवाले कर दे। तेरा बाप चढ़ के गया था या तेरी माँ? बोस आपके बाप को गाली दिया, पड़ जाओ। लिफ्ट चाहिए। कैसे हो मेरे यार? पता है क्या भाई, पसंद आ गया, ये भी हमें चाहिए। शाबो उतर। शाबो 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 शाबो। आप मेरे हराम खोर। मैंने बोला था किसी की जान नहीं लेनी, फिर चोरी करनी है। अपने गुस्से पे काबू कर, मतलब कुत्ते की मौत मरेगा, मर जाए। महिंदा के पास मुझे अभी शक्ल आती है। बहुत गलत किया था मुझ पे हाथ उठाकर, बदला लेना तो मुझे था ही, लेकिन सही मौके का इंतजार था मुझे। तेरे घर में घुस के तुझ पे वार किया मैंने। तुझे जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, लगा ले जितना दम है तुझ में। मैं भी देखता हूँ इन हीरो को कौन हासिल करता है।
लो जी मलिक साहब, अब रह गए एक बॉल पे 4 रन्स। इस बॉल पर भी अब मेरा शहजादा छक्का लगाएगा। खलील, जो होने वाला है उसकी खबर सिर्फ ऊपर वाले को है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका बैट्समैन खेल खेल के थक चुका है और बॉलर है स्पिनर, तो इस बॉल पे आपका बैट्समैन आउट। तो मलिक साहब लगा लेते हैं 1,00,000 रुपए की शर्त। तो तू उसी वक्त गया था जब तूने 1,00,000 की बात की। 1,00,000 मेरे कुत्ते की खुराक है। भाई इनके पास 30 करोड़ के हीरे हैं। बासी जी, ये जिसकी जमीन पे आपने कब्जा किया है ना, ये शहर का इलाका है, तो उसको पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं है। जिसका डर था वही हुआ, शहर आ गया। क्या तुझे पता है जगह किसकी है? तेरी। तो उसके बावजूद तू यहाँ कब्जा करने आ गया? मुझे जरूरत थी, मैंने यहाँ पर कब्जा कर लिया। मुझे यहाँ पर शराब की फैक्ट्री बनानी है। तू शराब की फैक्ट्री क्या बनाएगा, यहाँ पे तेरी कब्र बनाऊंगा मैं। तो मैं भी देखता हूँ आज यहाँ कौन किसकी कब्र खोदता है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अर्ज किया है, मैंने सोचा ये मुझे टक्कर का मुकाबला देगा, पर ये तो कुत्ते की मौत मारा। वाह वाह, जिंदगी पसंद है या गुलामी? गुलामी। Thank you.
इस्लामाबाद में स्मगलिंग और चोरी करके खूब पैसा कमाया है मैंने। इस्लामाबाद में सिद्धू का नाम चलता है और मुझे तुम्हारे हीरे पसंद आए, जिसकी डीलिंग करने सिद्धू खुद आया है, और इन हीरो के मैं कोई पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि पूरा इस्लामाबाद मेरा है और इस्लामाबाद की हर चीज़ मेरी है। मानता हूँ इस्लामाबाद की हर चीज़ तेरी, इस्लामाबाद तेरा, लेकिन जहाँ पे हम कदम रख दें वो पूरा मुल्क हमारा हो जाता है। मैं भी तो आया हूँ इस दुनिया में, इसीलिए पूरी दुनिया ही मेरी है। शेर भाई, मुझे हीरे नहीं चाहिए, इन दोनों को कुत्ते की मौत मारना है, कुत्ते की मौत। तेरे पास अब दो ही रास्ते हैं, गुलामी या मौत। मलिक खानदान ने कभी किसी की गुलामी नहीं की। तो हो गया फैसला। तेरी भी लूंगा, अगर तू एक बाप की औलाद है तो आ जा रेलवे स्टेशन, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आ जा। सब लड़कों को बुला, जंग शुरू हो चुकी है। एक काम जो अधूरा छोड़ा था उसका खात्मा करना है। बॉस, शायर आ रहा है। अबे बॉस, भोसड़ी के हीरे तो तू चुरा नहीं सका, यह हड्डियां तोड़वाने आ गया। तुझे तो पता है मैं हड्डियां नहीं तोड़ता, बंदे को ठोक देता हूँ। सबसे बड़ी गलती तो तूने ये की कि तूने मुझे जिंदा छोड़ दिया, और अब देख लेते हैं कौन किसको मारता है।
तुम सब ने अगर इसकी हड्डियां नहीं तोड़ी ना तो तुम सब की हड्डियां मैं तोड़ूंगा। जाओ। Thank you.
ओए रिवाइव दे ओए। लगता है कोई और भी मेरे अलावा इधर पबजी खेल रहा है। काफी इंतजार किया इस दिन का बॉस, आज तू तो गया। तेरी शायरी के साथ साथ आज तुझे भी मैं खत्म कर दूंगा। तो देर किस बात की, आ जा। ये लो हीरे। ये ले पकड़ पैसे, शहर साहब ने बोला है कि बाकी पैसे काम होने के बाद मिल जाएंगे। उफ, टेंशन क्यों लेते हैं, जब मेरे को काम दिए तो काम फटाफट होगा, फटाफट। ये क्या नोट है, आहा। सलाम अलैकुम। देख, मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, चुपचाप हीरे मेरे हवाले कर दे तू। मुझे हीरे नहीं चाहिए, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, तू सिर्फ मुझे जाने दे, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। गलती कर दी तूने।
ठीक है बे, ठीक है ठीक है। यार इन खीरू ने तो रुला ही दिया था, इसके पीछे बड़ी मेहनत की है। यार 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 किधर गए यार मेरे 300 साल की मेहनत। यार